नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉन्साई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको पहले जो महेंद्रगढ़ में एक नर्सरी में जाता था मोस्टली वीडियो आपने देखे थे वो आपने देखे होंगे, लेकिन एक नई नर्सरी यहां पे खुली है। एक्चुअली में ये पहले भी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, इन्होंने 3-4 जगह जो पहले बदल दी है, तो मैं पहले भी इनकी नर्सरी में गया हूं। तो जब मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे घर के थोड़ी सी दूर, यानी कि अगर आप महेंद्रगढ़ से कोई, तो आपने जो करंट बालाजी का मंदिर या जो मोड़ा वाली मंदिर देखा होगा तो उसी रोड पे है और वहीं पे इन्होंने नर्सरी स्टार्ट की है। तो आज मैं यहाँ पे विजिट करने आया था, तो सोचा आपको भी शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ उनके पास कौन कौन से प्लांट हैं। तो इन्होंने कुछ नए प्लांट जो कैक्टस वगैरह वो भी लेके आए हैं, तो वो भी दिखाएंगे। दोस्तों नर्सरी की जो लोकेशन है वो यहाँ पे है, सामने आपको वहाँ पे दिख रहा है वो जो करंट बालाजी का मंदिर है वो है, नदी वाला एरिया ये, और डुलाना रोड इस साइड है, और यहीं पर देखिए बाबा नर्सरी के नाम से नर्सरी है। तो ये यहाँ के ओनर है सर, अपना नाम बताइए। रामविलास। ये रामविलास जी है जो यहाँ नर्सरी में संभालते हैं, और काफ़ी टाइम से, कितने टाइम से काम कर रहे हो आप? 10-11 साल हो गए। 10-11 साल से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इनके पास ये कौन सा प्लांट है? फाइकस सिंगल बॉल। सिंगल बॉल, अच्छा ये। और कौन सा वैसे प्लांट है आपके पास? ये चंपा है, सफेद फूल वाली, सफ़ेद फूल की चंपा है, काफ़ी बड़े हैं। ये अशोका है। ये अशोका के हैं, पीछे भी शायद कुछ पाम ट्री है ना। ये कौन सा है? ये पंजाब का किन्नू है। किन्नू, ये किन्नू है जो कि पंजाब साइड से इनको तैयार किया जाता है, और काफ़ी बड़े प्लांट है। अगर खेतों में किसी को लगाने हो तो यहाँ से ले जाकर सीधा लगा सकते हैं। ये कितने दिन बाद फ्रूटिंग स्टार्ट कर देंगे? अगली साल फ्रूट दे देंगे। ये हेज है जो आपने काफ़ी वीडियो में मुझसे पूछा था, जो मेरे घर के बाहर भी लगी है, जिनको हम जो टपोरी जो साइज है वैसे भी बना सकते हैं स्टाइल, और हेज भी बना सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है, अगर किसी को गार्डन के चारों तरफ बाड़ वगैरह जो होती है वो बनानी हो तो। ये भी चंपा की प्लांट है, और इन पे जो अभी लीव्स जो है वो अब स्टार्ट होंगी शायद, क्योंकि इसके जो लीव्स है वो गिर जाते हैं सर्दियों में। और ये जो है इसका कलर रेड कलर का होगा, फूल जो इसका होगा वो, ये जूनी फ्रांस की है, आपको याद होगा एक बार हम भी लेके आए थे छोटा प्लांट, लेकिन ये बड़ा है काफ़ी। कितनी हाइट होगी इसकी? इसकी हाइट है 4.5-4 फुट का है। यूफोर्बिया, ये बीच में जो है कुछ बनाना के प्लांट है, तीसरी साल में इनमें फ्रूट आ जाएगा अगर अच्छे से इसकी देखभाल करेंगे तो, खाद वगैरह टाइम पे देंगे तो। यहाँ पे कुछ बर्ड पीपल जो देसी प्लांट है यहाँ के वो है। ये बोटल पाम है क्या? हाँ ये बोटल पाम है, ये बड़े फाइकस है। अच्छा ये जो प्लांट है ये किसका है? ये जामुन है क्या? जामुन का। ये मोटी वाली जामुन होगी? हाँ, मोटे लंबे वाले। अभी इनका देखो ये इनका शुरू हो गया लगना। किस चीज के? मौसम। फ्लोरिंग हो रही है क्या इस पे? हाँ फ्लोरिंग है, ये देखिए यहाँ पे, अगर ये जमीन में होते तो इन पे और भी अच्छे से फ्लोरिंग होती। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कुछ फ्लोरिंग आ रही है। तारा मेट है ये, युक्को, ये नाशपति है जी। ये अपने यहाँ पे कामयाब हो जाएगी? ये ग्राफ्टेड है या सिंपल है? ग्राफ्टेड। कितने टाइम पे फ्रूट आ जाए इसमें? ये शायद शम्मी का है। ये शम्मी का। सही, कटिंग से तैयार किया ये, बाद में काट दिया ऊपर से? काट दिया बाद में, ज्यादा बड़ा हो गया था। ये आम के शायद इसमें जो फ्लोरिंग है वो भी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे देखिए कलमी प्लांट में जल्दी फ्रूट आ जाता है। और ये फाइकस पांडा होगा? हाँ ये फाइकस पांडा, आगे जामिया है जिसको जी जी के नाम से भी शायद बुलाते हैं वो है ये। और ये भी काफ़ी बड़े हैं, छोटे पॉट में नहीं है, बड़े में हैं। ये किन्नू मौसमी जिसमें फ्लोरिंग हो रही है, क्या रेट पड़ेगा? ये पड़ेगा 100 रुपये। 100 रुपये का एक प्लांट पड़ेगा जिसपे फ्लोरिंग हो रही है ग्राफ्टेड। ये बेर है मोटी वाली? एप्पल। अच्छा एप्पल बेर, ये एप्पल बेर है। ये कितने का है? ये 150 रुपये। 150 रुपये का। ये डबल चांदनी का है, गांधारी अनार है, जिनके अंदर से जो सीड्स है बिल्कुल रेड कलर के होते हैं, और उनमें काट जो होता है वुड कम होती है दाने के अंदर। ये बकान और सीसम जो यहाँ के लोकल प्लांट है वो है। ये लो काट का प्लांट है और ये ग्राफ्टेड है। इसमें कब तक फ्रूट होगा? ये तो बस समझ लो अगले साल ही शुरू हो जाता है, अगली साल या उससे अगले साल तक तो पक्का आ ही जाएगा फ्रूट। अभी तो और छोटे छोटे उनके मैं देखेंगे। अच्छा जब मिलेगा। ठीक है, ये कितने का है? ये 150। 150 रुपये का है। ये कलकत्ता वाला नींबू है। ये नींबू है, अपने कागजी नींबू होंगे छोटे वाले। वहाँ पे कैजुरीन है जिनको टपोरी स्टाइल जो बनाते हैं वो उसमें कन्वर्ट कर रखा है धीरे धीरे। ये अशोका है। ये अशोका है जो कि हाइट पूरी है इनकी, ये होगा 10-15 के लगभग। 15 के लगभग हाइट है। ये रेटूसा का है। ये बोटल ब्रश के हैं, जो मेरे पास बोटल ब्रश है वो दूसरे है, और ये छोटे पत्ते का है ये दूसरा है, इसको भी टपोरी स्टाइल में बना रखा है। और यहाँ पे कुछ बॉन्साई प्लांट भी है इनके पास, हालांकि यहाँ पे मेरे ख्याल से बॉन्साई बिकते नहीं होंगे इतने, बहुत कम।
क्योंकि बोनसाई का यहाँ पता नहीं है, तो बोनसाई प्लांट बहुत कम रखते हैं नर्सरी में क्योंकि ये सेल कम होते हैं। इनके अंदर अगर आप गौर से देखेंगे तो जो इनके रूट्स है ये अलग प्लांट के, और जो ऊपर की जो ये ब्रांच आपको दिख रही है अलग है, ये इन पर ग्राफ्ट की जाती है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर का हिस्सा है ये ग्राफ्ट किया हुआ है। तो इस तरह के बोनसाई आपको यहाँ पे मिल सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। अभी बाकी जो प्लांट्स है, कुछ नए प्लांट्स है, वो अभी आएंगे क्योंकि इन्होंने अभी यहाँ पे नर्सरी शिफ्ट की है दूसरी जगह से, और इनके पास कुछ कैक्टस है, चलिए वो और दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए कुछ वैरायटी कैक्टस की है, ये देखिए मेरे ख्याल से ये जो कैक्टस है यहाँ महेंद्रगढ़ में बाकी नर्सरी में मैंने नहीं देखे हैं, यहीं पे देखने को मिले हैं। ये यहाँ पे क्रेसुला है जो आपको मैंने एक बार पहले वीडियो में दिखाया था, वो एक ये पीछे देखिए। कैक्टस का क्या प्राइस है? ये 150 रुपये। ये 150 रुपये का है, इनमें से कोई भी अगर आप लेते हैं तो 150 रुपये का पड़ेगा आपको। यहाँ पे कुछ एरो के लिए है जो कि छोटे साइज में भी है और बड़े साइज में भी है, मिक्स रखे हुए हैं। ये पाम ट्री, ये क्रोटोन, सन ऑफ इंडिया, सन्स ऑफ इंडिया का भी है यहाँ पे, ड्रेसना का एनिमम है, तीन कलर एनिमम में। ये एनिमम पोनीटेल क्या रेट का है? ये 80 रुपये का। और ये स्टार लाइट फाइकस, ये भी छोटा है, ये कितने का है? ये भी 80 रुपये का। 80 रुपये का। यहाँ पे कुछ साइकस के प्लांट भी है, साइकस का क्या रेट है? ये 250 रुपये का। ये 250 रुपये का है। बिगोनिया करंचो का वहाँ पे जो हमारे पास है वो ना क्या, कलकत्ता वाले में गुलाब में खुशबू नहीं आती है। ये पंजाब में तैयार की हुए गुलाब है जिनके अंदर आपको खुशबू मिलेगी। ये सारे सेम एक जैसे ही है? हाँ, अलग कलर है वैसे तो। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो आपको वाइट कलर दिख रहा है ये क्लाइंबिंग रोज है। काफ़ी क्वेरी आती है क्लाइंबिंग रोज कहाँ मिलेगा, तो अगर महेंद्रगढ़ से कोई है तो यहाँ से ले सकते हैं क्लाइंबिंग रोज। ये क्या आप दीवार वगैरह पर कहीं लगाएंगे तो बेल की तरह चलेगा, जैसे कि आपको ये देखिए यहाँ पे इसकी जो ग्रोथ है वो दिख रही होगी, तो ये ऐसे ही सीधा ऊपर की तरफ बेल की तरह ग्रो करेगा। तो इसका जो वाइट कलर है ये काफ़ी अच्छा है। उस साइड देखेंगे वो सारे देसी हैं, इस एरिया में सारे जो है गुलाब है। बस पोर्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, देखिए चीनी मिट्टी का पोर्ट है वो मैं दिल्ली में पता करके आया था, और मेरे यहाँ पे जो नर्सरी है वहाँ पे नहीं मिले थे, लेकिन इनके पास कुछ वैरायटी आपको मिल जाएगी। सामने देखिए ये 150 का है, ये 250 का है, ये 250 का, ये 150 का, ये काफ़ी अच्छा है 150 में। ये प्लास्टिक का ये 200 रुपये का है। अच्छा, ये 150 का है, ये 100 रुपये का है, और ये 40 रुपये का है, और ये हैंगिंग पोर्ट 30 रुपये, ये 50 रुपये, हैंगिंग पोर्ट 50 रुपये की है। ये फ्लोरिंग कितनी अच्छे से हो रही है, इस पर एक ही ब्रांच पे कितनी फ्लोरिंग है, और ये देसी नींबू है अपना। और दोस्तों तो इनके पास जो है अभी प्लांट्स जो है नए नहीं आए हैं, जो भी प्लांट्स वो मैंने आपको दिखा दिए, रेट्स कुछ के मैंने आपको बता दिए, कुछ आप अगर यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे जो सबसे अच्छा प्लांट मुझे लगा, एक तो जो फ्रूट में जो लोकार्ट है वो अच्छा है, और जो क्लाइंबिंग रोज है वो भी काफ़ी अच्छा है। होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।